नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में आरडी क्लासेस में, और मैं रजनीश दुआ आज आपके सामने ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो लेके आया हुआ हूँ। अगर आप ज़ेरोधा के कस्टमर हैं और आप ज़ेरोधा का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो मैं आज आपको अपने ज़ेरोधा के अकाउंट में लाइव एनालिसिस करके एक स्टॉक का ट्रेंड एनालिसिस करके दिखाऊंगा। आप लोगों को शायद मालूम ना हो, अगर बहुत लोग जानते भी होंगे कि ट्रेंड एनालिसिस का टेक्निकल एनालिसिस में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और ट्रेंड एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं कि हमें उस स्टॉक में एंटर होना चाहिए या उसको सेल कर देना चाहिए या उसको खरीद देना चाहिए, उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो ट्रेंड एनालिसिस, जब भी आप कोई स्टॉक खरीदने जाते हैं तो उसका ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और ज़ेरोधा के एप्लीकेशन में, काइट एप्लीकेशन में, वो ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है और उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, ये आज मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हुआ हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो लोग ज़ेरोधा के अकाउंट यूज़ करते हैं और उनको ट्रेंड लाइन बनाने नहीं आती है या वो ट्रेंड एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो से वो लाभ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि कैसे करना है इसको। ये देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है। ये मैंने अपना काइट का एप्लीकेशन खोल लिया है, ज़ेरोधा काइट .ZerodhaKite.com, और मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना पासवर्ड डालूंगा। ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। मैं पिन नंबर डालूंगा, ये मैंने अपना पिन नंबर डाल दिया। और अब मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट है, ये लेफ्ट साइड पर यहाँ स्क्रीन सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं कोई भी एक स्टॉक ऐड करूँगा जो भी हमें एनालाइज करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ रिलायंस का, क्योंकि रिलायंस मैंने यहाँ प्लस पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गया है। अब जब हम यहाँ पर जो आज हम एनालाइज करने वाले हैं, वो हम एक स्टॉक है जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये मैंने यहाँ पर चार्ट पे क्लिक करा है, तो अब इसका यहाँ पर चार्ट खुलेगा। ये यहाँ पर मैंने इसका चार्ट खोल लिया है। अब ये पॉपअप चार्ट, जिससे आपको फुल स्क्रीन का चार्ट खुल जाएगा, ये चार्ट अब मेरे सामने है। सबसे पहले जब भी आप कोई भी स्टॉक का चार्ट खोलें, तो आप सबसे पहले उसका लॉन्ग टर्म व्यू देखें कि पिछले 5 साल में, बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म व्यू देख रहा हूँ, पिछले 5 साल में उस स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसे रही है। तो वो देखने के लिए यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पर 5Y दिख रहा है, 5Y का मतलब है 5 ईयर्स, तो मैंने 5 ईयर्स पे से क्लिक कर दिया। और यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ये टाइम फ्रेम आता है, आप इसको क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइम फ्रेम आ रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। तो ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर हम 1 वीक का टाइम फ्रेम देखेंगे कि ये वीकली परफॉर्मेंस इसकी कैसे रही है, इस स्टॉक की पिछले 5 सालों में इसकी वीकली परफॉर्मेंस कैसे रही है। ये देखिए, ये इसका चार्ट आ गया। और अगर मैं इसको चार्ट को, कोई यहाँ पर इंडिकेटर नहीं लगा रहा, कोई यहाँ पर टेक्निकल टर्म यूज नहीं करने वाला, अगर मैं इसको जस्ट ऑब्जर्व करूं, तो 2017 से लेकर लगातार ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और आज ये बिल्कुल हाई प्राइस पर चल रहा है। तो ये इसका पिछले 2 साल का मुझे ट्रेंड पता चल गया। इनफैक्ट आप पिछले 5 साल का ट्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पर 2015 से देख सकते हैं, 2015 से ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड पर चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी कंपनी का स्टॉक है और आप देख सकते हैं कि इसका अप ट्रेंड चल रहा है स्टॉक का। तो अब हम इस स्टॉक को एनालाइज करने वाले हैं कि इस स्टॉक में क्या ट्रेंड चल रहा है। देखिए, अगर मैं इसको 2007 से यहाँ से इसको एनालाइज करना शुरू करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसकी ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन दिख जाएगी। ट्रेंड लाइन पे मैंने क्लिक किया, एक बार क्लिक किया, और मैं यहाँ से इसका ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक कर दिया और ये इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ जाएगी। और ये ट्रेंड लाइन मैंने इसकी यहाँ पर, ये इधर मैंने फिर यहाँ पर रोकना है, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। आप यहाँ पर इसका विड्थ चेंज कर सकते हैं, ये मैंने इसका विड्थ चेंज कर दिया, और चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने कलर यहाँ पर चेंज कर दिया, ये देखिए। तो ये इसकी एक ट्रेंड लाइन बन गई, ये अप ट्रेंड है, ये ऊपर की तरफ इसका रुझान जा रहा है। तो इसका मतलब ये स्टॉक जो है बिल्कुल अप ट्रेंड पर है। आप यहाँ से ये, मैं ये एरो निकालूंगा, ये देखिए, ये इसका अप ट्रेंड यहाँ पता चल गया। अब दूसरा ट्रेंड जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूँ, 2018 यहाँ से शुरू होता है,
तो 2018 से आज 2019 जून तक, मई एंड तक आप देखेंगे ये स्टॉक कभी भी इस लेवल के नीचे नहीं गया है। 216.52 रुपये के नीचे इस स्टॉक का मूवमेंट नीचे नहीं हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा मैं, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन उठाई और यहाँ पर इनफैक्ट मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर इस लेवल पे 200 ये लेवल है, ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर और ये ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो मैं इसका कलर चेंज करूँगा, ये मैंने फटाफट यहाँ से कलर चेंज कर दिया और इसका विड्थ चेंज कर दिया ताकि क्लियरली दिखाई दे। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 2018 से लगभग ये स्टॉक 213 रुपये से नीचे कभी नहीं गया है। तो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इसकी ब्लू वाली, इसके नीचे ये स्टॉक नहीं जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे टी पे क्लिक करके इसका यहाँ टेक्स्ट ऐड करेंगे और जब आप उसको टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा, ये देखिए यहाँ पे ऐसे खुल जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमारी सपोर्ट लाइन है, तो ये सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर। तो अब मुझे पता चल गया कि ये इसकी सपोर्ट लाइन है। और यहाँ पे अगर आप अब इसका देखते हैं कि ये अप ट्रेंड में कहाँ तक जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड में आप देखिए यहाँ पर ये इसका जो हाईएस्ट प्राइस आ रहा है, यहाँ पर ये हाईएस्ट प्राइस, मैं यहाँ पर फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो ये है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 306 के आसपास ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। तो अब मुझे ये पता चल गया कि इस स्टॉक का ये जो प्राइस है 310, ये इसका रेसिस्टेंस प्राइस है। इसके ऊपर ये अभी रिसेंटली इसने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करा है। ये यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि जब कोई भी स्टॉक अपने रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस करता है या अपने सपोर्ट लेवल से नीचे जाता है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है। ब्रेकआउट पॉइंट जब रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब अब ये स्टॉक एक नए जोन में आ गया। और अब अगर यहाँ पर इसकी वॉल्यूम, ये नीचे वॉल्यूम का बार बने हुए हैं, अब आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि आने वाले समय में इसकी वॉल्यूम्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इसकी वॉल्यूम्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसका मतलब इन्वेस्टर को ये स्टॉक इस प्राइस पर भी बहुत सस्ता लग रहा है, इसका मतलब इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बहुत सस्ता है, तो लोग इसको खरीदने के लिए इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो ये वाला प्राइस अब आने वाले 1-2 हफ्ते आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अगर ये लगातार इसके रेजिस्टेंस के ऊपर रहता है तो इसका मतलब ये इसका ब्रेकआउट प्राइस है और अब ये स्टॉक जो है एक नए लेवल में चला जाएगा और आने वाले समय में इस स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के दायरे में अगर मैं बोलूँ तो ये स्टॉक जो है अब ये एक नए लेवल पे ऊपर आने वाला है। और इनफैक्ट आप इसका पिछले 2 साल का भी ट्रेंड अगर देखेंगे तो ये लगातार ऊपर चलते जा रहा है। सिर्फ ये यहाँ पर ये जहाँ से ये डाउनफॉल आया था उस समय सितंबर 2018 से लेकर ये इसका डाउनफॉल रहा है, और वो डाउनफॉल इसलिए रहा है क्योंकि उस टाइम पे मार्केट भी बहुत डाउनफॉल पे थी। और ये 2019 जनवरी से ये देखिए यहाँ पर नीचे, मैं यहाँ पर इसका टाइम फ्रेम देखता हूँ तो ये लगातार यहाँ 2019 फरवरी से ये लगातार अप ट्रेंड पर है, लगातार अप ट्रेंड पर है और अब ये अपने रेसिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है। तो इन फैक्ट अब मैं ये कहूँगा कि अब इस स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यही बात थी जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहता था। आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया हो, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको कॉमेंट करें। और मैं आने वाले समय में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाऊँगा ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।